स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां पर हम आपको आयुर्वेद से जुड़े हुए नुस्खों के बारे में बताते हैं। आज हम उसी सिलसिले में लेके आए हैं कुछ ऐसे नुस्खे जिससे सर्दी, जुकाम और खांसी से आपको बचाव मिल सकता है। आइए शुरू करते हैं। इलायची को पीसकर रुमाल पर लगाकर सूंघने से सर्दी, जुकाम और खांसी ठीक हो जाती है। 10 ग्राम अदरक को काटकर लगभग 200 मिलीलीटर गर्म पानी में उबालकर 1/4 रह जाने पर छान लेते हैं। इसे खांड मिले 1 कप कम गर्म दूध में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से खांसी, जुकाम और खांसी नष्ट हो जाती है। जायफल पिसा हुआ 1 चुटकी मात्रा में लेकर दूध में मिलाकर लेने से सर्दी का असर ठीक हो जाता है। इसे सर्दी में सेवन करने से सर्दी नहीं लगती है। मेथी के पत्तों की सब्जी को सुबह शाम खाने और बीजों को 1 चम्मच मात्रा में गर्म दूध के साथ सेवन करने से सर्दी, जुकाम के सारे कष्टों में आराम मिलता है। कलौंजी के बीजों को सेंक कर और कपड़े में लपेट कर सूंघे, साथ ही थोड़े थोड़े अंतर में कलौंजी का तेल और जैतून का तेल बराबर की मात्रा में थोड़ा सा मिलाकर नाक में टपकाएं। कपूर की 1 टिकिया को रुमाल में लपेट कर बार बार सूंघने से आराम मिलता है और बंद नाक खुल जाती है। द्रोण पुष्पी का रस नाक में 2-2 बूंद डालने और इसका रस सूंघने से सर्दी, जुकाम और खांसी में आराम मिलता है। तो दोस्तों, इन घरेलू उपचारों को आजमा कर सर्दी, जुकाम और खांसी जैसे बीमारियों से राहत पा सकते हैं। और भी ऐसे अनोखे नुस्खों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये YouTube चैनल। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और भी ऐसे अनोखे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।